बी का आपका टॉप लोड का वॉशिंग मशीन है, ठीक है, 7 kg का, 7 kg का मशीन है, तो इसके अंदर आप 14 से 15 कपड़े इसके अंदर डालना रहेगा ड्रम में, ठीक, कपड़े चेक करके डालना रहेगा, जैसे सेफ्टी पिंस, क्वाइन, चाबी वगैरह वो सब नहीं रहना चाहिए, और खुले करके एक एक करके छुट्टे कपड़े ड्रम में डाल देना है। इसके अंदर 70% कपड़े डालना है, 30% जगह खाली रखना है, थोड़ा जगह रहेगा तो वॉश क्वालिटी अच्छा मिलेगा कपड़े का, ठीक। तो कपड़े कहाँ तक रखना है, इसके नीचे तक, प्लास्टिक दिए ना इसके नीचे तक रखना है, ठीक। कपड़े डालने के बाद अब इसके अंदर लिक्विड डालेंगे, ठीक, लिक्विड, अगर डिटर्जेंट वो कभी काल यूज करना हो ना, तो ये जो आपका ये बॉक्स दिया ना लिक्विड ट्रे, इसको निकाल लेना है, इसमें डिटर्जेंट डालना है। हाँ, कभी काल यूज करना है तो इसके अंदर डिटर्जेंट डाल सकते हो, इसमें लिक्विड, हाँ इसमें लिक्विड, बराबर। कपड़े लिक्विड डालने के बाद डोर को क्लोज कर देना है, ठीक। ये आपका ऑन ऑफ का बटन है, इसको प्रेस करोगे डिस्प्ले पे लाइट आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पे ये देखे प्रोग्राम, प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए दिया है, अब यहाँ से प्रेस करोगे ना तो जिस प्रोग्राम के ऊपर लोगे तो वहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर कलर का लाइट आ जा रहा है, तो पहला आपका आता है मिक्स डेली, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले आया मिक्स, मिक्स डेली में सभी प्रकार के कपड़े आ जाते हैं, ठीक है, जाड़े कपड़े छोड़ के, जैसे कॉटन के चादर वगैरह छोड़ के बाकी के सभी प्रकार के कपड़े आ जाते हैं, डेली वाले कपड़े, अच्छा, ठीक है, इसके अंदर है, तो। हाँ, रूटीन वाले कपड़े रेगुलर वॉश कर सकते हो, ठीक। इसके बाद आता है कॉटन के, कॉटन के कपड़े हो ज्यादा कॉटन, हाँ, तो इसके अंदर वॉश कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सप्रेस 13, इसके अंदर 30 मिनट का प्रोग्राम रहता है, 30 मिनट में नॉर्मल गंदे कपड़े हो, जल्दी से वॉश करना हो फटाफट, तो इसके अंदर वॉश कर सकते हो, अच्छा, ठीक है, हाँ। इसके बाद आता है सिंथेटिक, सिंथेटिक में साड़ी सूट वगैरह हो, सिंथेटिक वाले कपड़े हो जैसे हैं, तो इसके अंदर डालना रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है डेलिकेट, डेलिकेट में नाजुक कपड़े होते हैं, जैसे दुपट्टा, साड़ी, जैसे पतले धोती, कमीज, ऐसे पतले कपड़े हो तो इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद आता है ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में जैसे आपका आता है ब्लैंकेट वगैरह, तो इसके अंदर ब्लैंकेट वगैरह डाल सकते हैं बल्कि वेडिंग में, ठीक है। इसमें टुवाल धोना तो भी ब्लैंकी में डालना है, टुवाल वगैरह तो आप इसके अंदर कॉटन में, कॉटन में डाल के भी वॉश कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन का ही रहता है। बेबी वेयर में छोटे बच्चे वाले कपड़े होते हैं, इसके अंदर वॉश करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब जैसे ऑफिस का हो गया या स्कूल का हो गया, यूनिफॉर्म वगैरह इसके अंदर भी वॉश कर सकते हैं, नहीं तो ये सभी प्रोग्राम जो दिया है ना मिक्स डेली में सब हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया है एक्स्ट्रा करने के लिए, ये आपका ऑप्शन आता है, ये प्रोग्राम था, ये ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन जो दिया है ना प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, एक्स्ट्रा करना तो ये इसको करिएगा, न तो मत करिए, ठीक है, अच्छा। जरूर इसमें सोक हो जाता है, मिक्स डेली में सोक होता है अपने आप, वो कुछ टाइम तक भिगो कर रखता है, ऑलरेडी हाँ। अगर आपको करना हो तो यहाँ से ले सकते हो, जैसे सोक है, वॉश है, वाटर लेवल है, रिंग्स दिया है, स्पिन दिया है, डीले स्टार दिया है, ठीक है। इसमें वाटर लेवल दिखाया ही नहीं, अपने आप ही लेगा, वो सब हाँ ऑटो सेंस रहता है ना, अच्छा, तो ऑटोमेटिक सब टाइमिंग, अच्छा, सब अपने आप, हाँ सब ऑटोमेटिक ले लेगा, वाटर लेवल दिया है और ओनली रिंस और स्पिन करना है, हाँ, तो ये तो, दो दबा देने, हाँ देखिए जैसे आपको क्या करना है, ओनली ओनली रिंस और स्पिन करना है, बताओ, जैसे ओनली रिंग्स करना हो, हाँ, तो ये ओनली रिंग्स के प्रेस करो, हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 15 मिनट में सिर्फ रिंग्स करेगा, हाँ, कपड़े ड्राई नहीं करेगा, ठीक है। ओनली स्पिन करना हो तो ओनली स्पिन करना हो, जैसे बाहर से धुले हुए कपड़े आपने फ्रेश कर लिए, हाँ, तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पे स्पिन को प्रेस करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 12 मिनट में आपके कपड़े स्पिन करके दे देगा, 70% कपड़े इसके अंदर ड्राई करके देगा, ठीक है। और ये इसके बाद आता है आपका डीले स्टार्ट, डिले स्टार्ट में क्या करना है, जैसे आपको लेट मशीन चालू करना हो तो यहाँ पे टाइमिंग डालेंगे, जैसे मैंने इसके अंदर 2 घंटे डाल दिया, अच्छा, अब कपड़े लिक्विड डालने के बाद यहाँ से स्टार्ट करूंगा, 2 घंटे के बाद ही मशीन चालू होगा, ठीक है, अच्छा। इसके बाद दिया है आपका यहाँ सोक में कपड़े भिगो कर रखना हो तो यहाँ से भिगो कर रख सकते हो, ठीक है, कपड़े इसके अंदर 15-20 मिनट मशीन भिगो कर रखता है, ठीक है। ये करने के बाद अपना प्रोग्राम चालू हो जाएगा, हाँ, मुझे करना पड़ेगा प्रोग्राम, आपको यहाँ से स्टार्ट करना रहेगा, हाँ, नहीं तो ये शोक सिस्टम मैंने दबा दिया, शोक वाला अगर आपने प्रेस कर दिया, यहाँ से स्टार्ट करोगे, हाँ, ना तब भी जाके चालू होगा, ठीक है, हाँ, तो वो शोक हो गया, हाँ,
अगर ओनली वॉश करना हो, ओनली फॉर कपड़े आपको धुलना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है, वॉश को सिलेक्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा। तो 23 मिनट में कपड़े वॉश करके दे देगा। अच्छा। वाटर लेवल, पानी जैसे आपको कम लेना है या ज्यादा लेना है। हाँ। कपड़े के हिसाब से, जैसे आपके पास ज्यादा कपड़े इसके अंदर डाल रहे हो या कम कपड़े डाल रहे हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वाटर लेवल सेट कर सकते हो, 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है। इसके बाद दिया देखिए, इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्यूचर दे दिया है, देखो नीचे इसमें टप क्लीन दे दिया है, एयर ड्राई दे दिया है, चाइल्ड लॉक दिया है। अब जैसे कि आपको अगर टप क्लीन करना हो, मशीन को क्लीन करना हो, टप साफ करना हो, तो यहाँ पे 3 सेकंड डीले को प्रेस करके रखना रहेगा। इसे ऐसे प्रेस करके रखोगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक टर्बो क्लीन, हाँ क्लीन आ जाएगा, टप क्लीन बराबर। 3 सेकंड प्रेस करके रखोगे, टप क्लीन आ जाता है। इसके बाद आपका आता है एयर ड्राई का मतलब ये होता है, जैसे आप मशीन चालू की हो, ठीक। हाँ, हाँ, इसके अंदर देखिए वाटर सब लगा है, पानी वगैरह लगा है। आपको जैसे मशीन बंद करके कहीं जाना है एक दो हफ्ते के लिए, तो क्या करना है, एयर ड्राई करके जाना है। एयर ड्राई करोगे तो अच्छे से टप सूख जाएगा। इससे क्या होता है कि मशीन के अंदर स्मेल गंदगी नहीं रहता है। अच्छा। ये देखिए 2 घंटे का टाइम आ गया है, 2 घंटा, हाँ 2 घंटे में पूरा अच्छे से सुखा देता है टप को, ठीक है। अच्छा। तो स्पिन को 3 सेकंड प्रेस करके रखोगे तो आ जाएगा एयर ड्राई, ठीक। अभी चाय लॉक करना रहेगा ना, तो 3 सेकंड इसको क्या करना है आपको, प्रेस करके हाँ होल्ड करोगे। यहाँ देखिए चाय लॉक का ऑप्शन आ जाता है डिस्प्ले पे, देखिए आ गया चाय लॉक आ गया। निकालना हो तो सेम प्रोसीजर करना रहेगा, इसको प्रेस करके रखोगे निकल जाएगा, ठीक। देखो निकल गया, ठीक। अब इसके अलावा भी दे दिया, देखिए यहाँ प्रोग्राम, जहाँ प्रोग्राम आप लेते हो ना, जो आपका ऑप्शन आप चूज करते हो, यहाँ प्रोग्राम के नीचे दिया है फेवरेट। फेवरेट के अंदर क्या होता है, जैसे आपके इच्छा अनुसार अगर नया कोई प्रोग्राम बनाना हो तो क्या करना है, यहाँ से जो भी आपको इधर का जो भी प्रोग्राम चाहिए आप उसको चूज कर लो ऐसे, ठीक। चूज करने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना है और उसको 3 सेकंड प्रेस करके रखोगे। देखिए यहाँ पे एक फेवरेट के ऐड हो गया, देखो फेवरेट ऐड हो गया, 15 मिनट का प्रोग्राम बना है। अच्छा। अभी ऐड हो गया, अभी इसको निकालना ना, इसको ऐसे सेम प्रोसीजर करेंगे, इसको प्रेस करके रखेंगे तो निकल जाएगा, देखो देखो निकल गया, ठीक है। बाकी का कुछ करना नहीं, और रेगुलर के लिए आपको मिक्स डेली पे वॉश करना रहेगा। और ये टप के लिए एक फिल्टर आता है इधर, कपड़े का रेसा वेसा जो रहता है इसको क्लीन करना रहता है, महीने में 2 से 3 बार साफ सफाई कर देना है कपड़े का, कचरा विचरा साफ सफाई कर देना, ठीक है।